अब देखिए ये पढ़ाने जा रहे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में पता बता रहे हैं, इसका डिफिनीशन हुआ इट इज एन एरिया फ्रॉम द टेरिटोरियल सी इज आउट टू 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन, यानी कि 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन, जो कोस्ट है समुद्र का, जो कोस्ट होता है कोस्टल एरिया जो हुआ उससे 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन। तो इसमें क्या होता है, द कंट्री है सोल एक्सप्लॉयटेशन राइट ओवर ऑल नेचुरल रिसोर्स। तो ये जो 200 जैसे कि कोई कोस्ट है किनारा है तो उससे है ना सो 200 नॉटिकल माइल्स तो 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर में है ना सो जो जिस देश है उसके 200 उस जिस देश है जिसका कोस्ट लाइन जिस देश का आता है उसके 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर में जो है ना सो उसको है ना सो जितना भी रिसोर्सेज है द कंट्रीज हैज सोल एक्सप्लॉयटेशन राइट ओवर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, जितना भी उसमें नेचुरल रिसोर्स 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर जो भी आता है उसका उस देश है ना उसमें जितना भी है उसका एक्सप्लॉयटेशन कर सकता है, यानी कि उसका जितना भी नेचुरल रिसोर्स है उसका उपयोग कर सकता है, जितना भी मिनरल्स हो गया पेट्रोकेमिकल्स हो गया गैस जब जितना भी उसका उसके अंदर में 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर में जो भी आता है तो देश उस पर जो जो देश के है वो पूरा उस पर अधिकार होता है, उसका पूरा यूज कर सकता है। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये है। अच्छा, फॉरेन वेसल्स हैव फ्रीडम टू नेविगेशन एंड ओवरफ्लाइट। तो फॉरेन वेसल ये सब जो होता है ना वहाँ पर अपना जहाज ले जा सकता है या हवाई जहाज ये सब उधर से एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के ऊपर से आ जा सकता है, ये इतना राइट होता है फॉरेन को। अच्छा, फॉरेन स्टेट्स आर अलाउड टू ले सबमरीन पाइप्स एंड केबल्स। तो ये फॉरेन स्टेट है ना कोई भी विदेशी जो देश है उस है ना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में है ना सो पाइप्स केबल ये सब है ना सबमरीन पाइप्स एंड केबल ये सब है ना सो डाल सकता है। तो ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में कुछ जानकारी है जो हर देश के समुद्री इलाके के 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर में होता है। इंडिया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक इंडियाज ईईजेड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इज स्प्रेड ओवर 2.20 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। देखिए भारत का जो है ना सो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है इज स्प्रेड ओवर 2.02 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। नो अदर कंट्री हैज ए लॉन्गर कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन। नो अदर कंट्री हैज ए लॉन्गर कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन देन इंडिया, यानी कि जो है ना सो इंडियन ओशियन में भारत के जितना है ना सो लॉन्गर कोस्ट लाइन है उतना किसी अन्य देश का नहीं है, जैसे बांग्लादेश श्रीलंका ही सबसे ज्यादा इसका भारत का है। तो ये इंडियन ओशियन में सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन भारत का है अन्य 7 देशों के मुकाबले में। एंड इंडीड इट इज इंडियाज प्रोमिनेंट पोजिशन इन द इंडियन ओशियन विच जस्टिफाइज द नेमिंग ऑफ एन ओशियन आफ्टर इट। तो देखिए कि पूरे ये जो है ना सो इंडियन ओशियन जितना है उसमें जो 7 देश को छूटता है उसमें सबसे बड़ा कोस्ट लाइन इंडिया का है, तो इसीलिए है ना सो एंड इट इज इंडियाज प्रोमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन ओशियन विच जस्टिफाइज द नेमिंग ऑफ एन ओशियन आफ्टर इट। तो इंडियन ये जो है ना हिंद महासागर इंडियन ओशियन इसको इंडियन ओशियन इसलिए कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन इंडिया का है, यानी बांग्लादेश पाकिस्तान श्रीलंका भूटान म्यांमार ये सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन इंडिया का है, इसलिए इसको इंडियन ओशियन नाम दिया गया है। इम्पोर्टेंस ऑफ ईईजेड टू इंडिया। अच्छा, इम्पोर्टेंस ऑफ ईईजेड टू इंडिया यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का इंडिया के लिए बहुत सारा महत्व है उसके बारे में बताने जा रहे हैं क्या है। तो सोर्स ऑफ मिनरल्स तो जैसे रियर अर्थ मिनरल्स सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। तो ये मिनरल्स है ना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जितना भी है ना 2.02 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का जो है ना सो इसका है ईईजेड। तो उसमें ना सो जितना भी मिनरल्स ये सब होगा जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स ये सब जो होगा तो उस पर किसका हक होगा, भारत का होगा। तो ये है ना सो रेयर अर्थ मिनरल्स ये सब भारत के सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है, उसका उत्खनन होगा तो एनर्जी का काम आएगा। अच्छे, ओशियन आर फ्यूचर ऑफ एनर्जी। ओशियंस आर फ्यूचर ऑफ एनर्जी लाइक वेव एनर्जी टाइडल एनर्जी ओशियन थर्मल एनर्जी ये सब। तो ये है ना सो समुद्र से है ना सो लोग है ना सो ऊर्जा भी लोग प्राप्त कर रहा है, अभी नया नया टेक्नोलॉजी आया है जिससे
और समुद्र से भी हम लोग है ना सो बहुत सारा प्रकार के ऊर्जा एनर्जी हम ना प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें कुछ है जैसे वेव एनर्जी हुआ, टाइडल एनर्जी हो गया, ओशियन थर्मल एनर्जी, ये सब है ना सो नया नया टेक्नोलॉजी है। तो उससे हम लोग है ना सो ये भारत है ना सो उससे बहुत सारा ऊर्जा का प्राप्ति कर सकता है। अब देखिए थर्ड क्या है, गैस हाइड्रेट्स। तो थर्ड है गैस हाइड्रेट्स क्या होता है, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ मीथेन, एक क्रिस्टल होता है मीथेन फॉर्म ऑफ मीथेन एंड वाटर, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ मीथेन एंड वाटर एग्जिस्ट इन शैलो सेडिमेंट्स ऑफ आउटर कॉन्टिनेंटल मार्जिन। यानी कि गैस हाइड्रेट्स एक क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ मीथेन एंड वाटर एग्जिस्ट इन शैलो सेडिमेंट्स ऑफ आउटर कॉन्टिनेंटल मार्जिन। आउटर कॉन्टिनेंटल मार्जिन यानी समुद्र के किनारे ही सब में होता है। इनर्जी रिसोर्स फॉर द फ्यूचर, इसको है ना सो इनर्जी फ्यूचर में ऊर्जा का बहुत बड़ा सोर्स माना जा रहा है। क्या कौन है ना सो गैस हाइड्रेट्स, क्या है ना सो इनर्जी सोर्स फॉर द फ्यूचर, मोस्ट गैस हाइड्रेट्स आर फॉर्म फ्रॉम मीथेन। जितने भी गैस हाइड्रेट्स है वो मीथेन से बनते हैं। तो ये समुद्र के अंदर ये पाया जाता है, तो उसको बहुत सा इनर्जी सोर्स के रूप में, फ्यूचर इनर्जी सोर्स के रूप में पाया जाता है। तो इसीलिए है ना सो ई जेड का इम्पोर्टेंस है। अच्छा, इसके बाद आईएसए क्या होता है, देखिए आईएसए, तो आईएसए वाज एस्टेब्लिश अंडर 1982 यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी टू ऑर्गेनाइज रेगुलेट एंड कंट्रोल ऑल मिनरल्स रिलेटेड एक्टिविटीज इन द इंटरनेशनल सी बेट एरिया। देखिए आईएस ये जो जितना भी है ना सो मिनरल्स, ये सब जो है ना सो समुद्र के नीचे पाते हैं, पेट्रोल गैस, नेचुरल गैस या और भी अनेक टाइप का जो मिनरल्स है, तो उसके लिए कानून यूनाइटेड नेशन में बनाया है, उसके बारे में बताते हैं। ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एक कानून बनाया आईएसए। तो ये आईएसए वाज एस्टेब्लिश अंडर 1982 यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सी, समुद्र के नियम को पालन करवाने के लिए ये है ना सो आईएसए है ना यूनाइटेड नेशन एस्टेब्लिश कराया, टू ऑर्गेनाइज रेगुलेट एंड कंट्रोल ऑल मिनरल्स रिलेटेड एक्टिविटीज। तो किस लिए आईएसए का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, टू ऑर्गेनाइज रेगुलेट एंड कंट्रोल ऑल मिनरल रिलेटेड एक्टिविटीज इन द इंटरनेशनल सी बेट एरिया। जो इंटरनेशनल सी बेट एरिया जिसमें जितने मिनरल्स ये सब है उसे वो कंट्रोल करने के लिए किसका उस पर अधिकार होगा, क्या होगा, ये आईएसए एस्टेब्लिश हुआ 1982 में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा।